नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोले आपका अपने चैनल के गैलेक्सी में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने 3D कंपोनेंट को बनाना सीखा था और इसके सेकंड भाग में हम इसकी ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यू पर आना है और एडवांस में आना है और अपने ड्राइंग फॉर्मेट पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैड गैलेक्सी पर क्लिक किया है और इसे ओके कर देना है। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग फॉर्मेट अब ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये साइड के टास्क पेन में आना है और व्यू पैलेट पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने पार्ट को ब्राउज करना है। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 1 और इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर इस पार्ट के डिफरेंट व्यू नज़र आएंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसके टॉप व्यू को क्लिक करता हूँ और इसे ड्रैग कर अपने फॉर्मेट के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, और इसे नीचे के साइड एक प्रोजेक्ट कर लेता हूँ और इसके बटन पर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब इस ड्राइंग पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आना है और इसको यूज़र कस्टम स्केल पर क्लिक करना है और यहाँ पे 2:3 पर क्लिक कर देना है, जिससे कि इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा। अब अगेन आपको क्या करना है, व्यू प्लेट पर आना है और इस आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल में आकर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसे ओके कर देना है। फिर से हमें व्यू प्लेट पर आना है और अब ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू को ट्रैक कर यहाँ पर ले आना है और डिस्प्ले स्टाइल पर आना है और ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, ये हमने सारे व्यूज़ को हमारे ड्राइंग पर ले आए हैं। थोड़ा सा इसे मैं अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे स्केच में आकर सेंटर लाइन लेकर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फिर से हमें सेंटर लाइन लेना है और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये करने के बाद हमें एनोटेशन पर आना है और स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करना है और इस वाले सर्कल की हमें रेडियस दे देना है। इस तरीके से और एरो के यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये अंदर के साइड एरो बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाले सर्कल की रेडियस दे देता हूँ, थोड़ा इसे अंदर के साइड ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल से इस सर्कल के बीच की डिस्टेंस दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं इस लाइन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस दे देता हूँ। ठीक है, और इस लाइन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसके एक टोटल डिस्टेंस भी दे देते हैं इस लाइन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें एक और डिस्टेंस देनी है इस लाइन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस। ठीक, कुछ इस तरीके से दे दिए। फिर से हमें इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करना है जिससे कि अंदर की साइड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन की डायमेंशन दे देना है। और यानी गैप की भी डायमेंशन हम दे देते हैं और इस लाइन से इस लाइन के बीच की भी टोटल डिस्टेंस हम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लाइन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस भी हम दे देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम इस लाइन की डिस्टेंस दे देते हैं। ओके, और इसे एरो पे यहाँ पर क्लिक करना है। इस सर्कल का
डायमीटर में यहाँ पे दे देता हूँ, और इस वाली एज की फ्लैग मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद हम दूसरे वाले व्यू पर आ जाते हैं। अब हम इस लाइन से इस लाइन के बीच के एंगल हम दे देते हैं, और एरो पे यहाँ पर क्लिक करना है जिससे कि अच्छे से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस लाइन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस दे देते हैं यहाँ पे। अब हम इस लाइन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस दे देते हैं, और इस लाइन की लेंथ हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन से इस लाइन की टोटल डिस्टेंस बता देते हैं यहाँ पे, और इस लाइन की भी हम लेंथ कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, स्केच पर आना है और पॉइंट लेना है, और यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देना है और इसे ओके कर देना है, और स्मार्ट डायमेंशन में आना है। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच के डिस्टेंस भी हम यहाँ पर शो कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। अब हमने इस ड्राइंग के सारे डायमेंशन को दे दिया है। अब आपको क्या करना है, एक डायमेंशन पर क्लिक करना है और इसे कंट्रोल ए कर लेना है। ठीक है, जिससे कि ये सारी डायमेंशन सिलेक्ट हो जाएगी, और इसका प्रिसीजन नन कर देना है। ठीक है, और अदर में आना है और लेयर पर आना है और इसे फॉर्मेट कर देना है जिससे कि ये डार्क हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ की सारी डायमेंशन पहले के कंपैरिजन में डार्क हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमने इस ड्राइंग की सारी डायमेंशन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसका प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट लेने के लिए आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल पिट टाइप करना होगा, और फिर सेटअप पर आकर इसको सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसका स्केल 85 रखा है, और इसे प्रीव्यू आके चेक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ और उसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसका नंबर मैं 02 दे देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, प्रिंट देने के बाद ये हमारा पीडीएफ फॉर्म में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।